Hello. Hello. This is the video for the students, for young learners. Most often there is problems with the students that they are lacking with the concentration and they are not able to keep the things in their memory for longer period of time. That is why I am trying here to give some ideas in which they can improve their concentration level of concentration, and it will be helpful to memorize the things or whatever they read, whatever they learn, they will be able to keep it in their long-term memory. So aaj ka topic isi baat par adharit hai ki hum apni concentration ko kaise acha kare और कैसे चीज़ों को जो हम याद करते हैं उसे लंबे समय तक याद रखें बिना किसी पुनरावृत्ति के याद रखें और बहुत ज़्यादा पुनरावृत्ति की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसा देखने में आया है कि बच्चे जो हैं आजकल बहुत पैनिक हो जाते हैं। तीन चार चैप्टर फिजिक्स के, तीन चार चैप्टर केमिस्ट्री के, जब भी उनका कोई टर्मिनल एफ एसए व्हाटएवर एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे बहुत पैनिक हो जाते हैं। एक दो दिन के इंटरवल पे ही एग्ज़ाम होता है और बच्चे ऐसी अवस्था से गुजरते हैं कि ये दो दिन में इतना कैसे रिवाइज करें। और ये सिचुएशन आज की नहीं है, हम जब स्टूडेंट थे तब भी ऐसी सिचुएशन आती थी। और मुझे याद है कि हम जब अपने सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स और फिजिक्स रखा करते थे तो बहुत कम गैप मिलता था। हमें भी लगता था कि शायद फिजिक्स के रिवीजन के लिए मुझे कम समय मिल पाता है, थोड़ा और समय मिलता तो हम ज़्यादा बेहतर रिवाइज कर पाते। तो ये सब बच्चों के साथ होता है। आजकल चूंकि यंग जनरेशन है और सबको जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हो रहे हैं और एक दिन के अंतराल पे एग्ज़ाम होता है या कभी लगातार एग्ज़ाम होता है तो बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि हम इस कम समय में अपनी पूरी सिलेबस को कैसे रिवाइज करें या दो चैप्टर, तीन चैप्टर, चार चैप्टर जो भी है उसको हम कैसे बढ़िया से याद कर पाए। रिवीजन की ज़रूरत पड़ती क्यों है? एक छोटी सी बात है कि जब विजन क्लियर ना हो तो रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर विजन क्लियर हो, फर्स्ट स्टैंड में आपको चीज़ें अगर दिमाग में छप जाए, लॉन्ग टर्म मेमोरी तक चली जाए तो आपको इतने रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि विजन अच्छा क्लियर नहीं है, और विजन अच्छा है क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि जो ग्रास्प हम कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत पुअर रहता है उस टाइम में जब हम ये सुन रहे होते हैं, जब हम ये पढ़ रहे होते हैं तो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन उस समय बहुत पुअर रहता है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आती है। तो सवाल ये है कि हम उस लेवल ऑफ कंसंट्रेशन को कैसे इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपना विजन कैसे क्लियर करें, विजन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, यानी रीडिंग हैबिट और व्हाटएवर जो भी हम रीड कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी तक कैसे करें ताकि वो लंबे समय तक याद रहे। और इसके लिए ज़रूरी है, विजन को बहुत बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बेहतर रहे जब हम याद करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम चीज़ों को देखते हैं, जब हम चीज़ों को समझते हैं। तब अगर हम अच्छी लेवल ऑफ कंसंट्रेशन से उसे समझें, उसे पढ़ें, उसे याद रहें तो ये चीज़ लंबे समय तक आपको याद रहेगी। ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत इंथुजियाज्म से किसी हीरो या हीरोइन के फैन हैं और आपने उसकी कोई मूवी देखी है बहुत पहले, जब बहुत एक्साइटेड होंगे और देखे होंगे आप, हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल पहले भी कोई मूवी देखे हों, और उस समय आपको लगता है कि हमने मूवी देखी, देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत पूरी शिद्दत से, पूरी प्लानिंग से, पूरी इंथुजियाज्म से, पूरी जॉयफुल मूड में आप मूवी देखने के लिए गए और मूवी देख करके आ गए। वह मूवी देखने में आपकी कंसंट्रेशन लेवल इतनी हाई होती है कि सामने अगर कोई अंगड़ाई ले रहा हो, कोई हाथ ऊपर कर दे, कोई पैर ऊपर कर दे, कोई थोड़ा सा इधर कर दे तो आप तुरंत उसको टोक देते हैं, भाई आप हाथ नीचे करिए, अपना इस तरह से मत करिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है या प्रॉपरली ठीक नहीं से दिखाई नहीं दे रहा है।
आपको उस समय ऐसा लगता है कि जैसे आपकी कंसंट्रेशन टूट रही है और आप मूवी अच्छी तरीके से नहीं वॉच कर पा रहे। नतीजा ये होता है कि उस समय मूवी देखने के बाद आप अगर 10 साल पहले भी कोई मूवी देखे हैं और अभी आउट सामने टीवी पर आ रही हो या कहीं थिएटर में या कहीं लैपटॉप पे आपके नज़र से गुजर रही है, तो आप कहेंगे अच्छा ये वाली मूवी, इसकी स्टोरी तो ऐसी थी, ये मैं अपनी मौसी के साथ और भाई के साथ या मम्मी के साथ देखने गया था और रास्ते में पता है हमारी गाड़ी भी पंचर हो गई थी, और हम ऐसे ऐसे पूरी एक सीक्वेंस ऑफ स्टोरी आपको याद हो जाती है कि ये मूवी हम कब देखने गए थे, साथ में कौन से लोग थे, कौन से थिएटर में देखा, और उस सीक्वेंस के दौरान कौन कौन से वाक्या हुए, हम कहाँ खाना खाए, हम गए तो किस गाड़ी से गए थे और कैसे पहुंचे, लेट हुए नहीं लेट हुए, सो मेनी स्टोरीज आपके दिमाग में तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रिफ्लेक्ट हो जाती है और आप समझ पाते हैं कि हम ये मूवी का सारी स्टोरी वाक्या सब कुछ आपको याद आ जाता है। आप बोलने लग जाते हैं अच्छा इसके बाद इसका ये होगा, ये जहर खाएगा, ये मरेगा, ये मारेगा, और ये ऐसे ऐसे स्टोरी आगे होने वाली है, ये बात आपको आसानी से समझ आ जाती है और आपके दिमाग में बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के, बिना किसी एक्स्ट्रा रिकॉल के, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पूरी की पूरी मूवी और स्टोरी जो 3 घंटे में आपने देखी है और 1 घंटा पहले का और 1 घंटा बाद का वाक्या, 5 घंटे का चीज लगभग आपके दिमाग में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है और मेमोरी में आ जाता है, रिटर्न आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि रात में आप कोई चीज पढ़ते हैं और सुबह जगते हैं तो याद नहीं रहता है, ऐसा क्यों? सोचा है कभी आपने? क्या सोचा है आपने अभी ऐसा क्यों होता है? इसके रूट कॉज क्या है? 5 घंटे की पूरी वाक्या बिना किसी रिवीजन के, बिना किसी उसके एक्स्ट्रा एफर्ट के आपके दिमाग में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिकॉल हो रही है और हो रही है 10 साल बाद। क्या हम अगर एफर्ट लगा के किसी चीज को याद करें तो 5 घंटे की पढ़ी हुई चीज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिकॉल नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं हो सकती, पहले बताइए। हो सकती है ना? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मैं समझता हूं ये बिल्कुल हो सकता है और होता है ऐसा, और मैंने ऐसा करके दिखाया है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे ऐसी परेशानियों से जूझना पड़ता था, जब मैंने इस पे खोजबीन की, मैंने अपने रिसर्च से, अपनी मेहनत से हमने तरीके डेवलप किए और आज ऐसी सिचुएशन है कि मैं लगातार 6 घंटे की चीज़ों को याद कर सकता हूँ और उसको अपने दिमाग में स्टोर कर सकता हूँ लाइन बाय लाइन हूबहू। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, हमने कई बार अपने स्टूडेंट्स को ये दिखाया है कि अलग अलग कॉर्नर से 100 बच्चों में से कई सारे बच्चे ऐसे लगातार क्वेश्चन अलग अलग पूछते रहे, मैथमेटिक्स फिजिक्स ये वो दिस दैट से रिलेटेड, और हमने उन सब का जवाब दिया। फिर फाइनली बच्चों को ये पूछ के दिखाया कि आप पूछो कि 56th क्वेश्चन किसने पूछा था या 37th क्वेश्चन किसने पूछा था, मैं उस बच्चे का फेस बता दूंगा। और ये भी बता दिया है कई बार कि क्वेश्चन क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या था, उसका आंसर क्या आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो ये सिचुएशन हमने डेवलप की है, मैंने इस अनुभव को और इस तरीकों को साझा करने के लिए आपके समक्ष अभी हूँ और चाहता हूं कि आप भी सीखें, आप भी ऐसा करें। जब हम डेवलप कर सकते हैं तो आप डेवलप क्यों नहीं कर सकते? और जो चीज हमने अर्जित किया है वो जब तक हम दूसरों से शेयर न करें तब तक उसको अर्जित करने का कोई फायदा मुझे नहीं समझ में आता, इसलिए ये सीरीज हमने शुरू करी है और ये यूट्यूब पे हमने अपना एक चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे वीडियो आएंगे जो हमारे व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होंगे और वो आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद भी होंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या दोनों में क्या फर्क है? जब आपने मूवी देखा था तब आप फुल मोड ऑफ कंसंट्रेशन में थे, आप दुनिया की तमाम चीजों को भूल गए थे और आपका पूरा का पूरा ध्यान जो था वो मूवी के एक्शन पे, डायलॉग्स पे, सीन पे केंद्रित था और पूरा का पूरा जो फोकस था वो एक पर्टिकुलर एक्शन पे, डायलॉग पे, डिलीवरी पे, हंसने पे, बोलने पे, ठीक है, सब चीज पे आपका ध्यान था और आप चूंकि इतना ज्यादा फोकस थे कि
इतना ज्यादा कंसंट्रेशन, हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन आपकी माइंड की उस स्थिति में थी कि ये सारी चीज डायरेक्ट आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई और आपके मेमोरी में वो स्टोर हो गई है। जैसे आप कंप्यूटर में सालों से फाइल कोई आप डाल के रखते हैं और दो चार साल बाद भी अगर उस फाइल को खोलते हैं तो खुल जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी आपके हार्ड डिस्क में, माइंड रूपी हार्ड डिस्क में ये स्टोर हो गया और आपको याद आ जाता है। तो क्या ऐसा हम बाकी चीजों को स्टोर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरीके से वहां पर आप फोकस्ड होकर के चीजों को ऑब्जर्व किए, देखे, सुने, समझे और उस हाई मोड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के स्थिति में आपने उसको ग्रैस्प किया तो ऐसी स्थिति में उसी तरह से आप अगर इन चीजों को भी पढ़ें, किताब की बातों को भी पढ़ें और उस लेवल ऑफ कंसंट्रेशन और फोकस के साथ करें तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि मूवी देखने में और समझने में आपको बहुत आसानी से हो गया, उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि आपके अंदर वो जील था, वो पैशन था, उत्साह था और वो जुनून था मूवी देखने का कि आपने 100 रुपये के टिकट 200 रुपये में भी ब्लैक में खरीद के देखा है। तो वो जुनून पैदा करना पड़ेगा, वो उत्साह पैदा करना पड़ेगा, वो पैशन पैदा करना पड़ेगा आपको अपने अंदर, ताकि उस पैशन, उस उत्साह, उस जुनून, उस जॉयफुल माहौल में और हाई मोड ऑफ कंसंट्रेशन में अगर आप पढ़ें तो आपको चीजें निश्चित रूप से बिना किसी विजन रिविजन के, विजन इतना क्लियर होगा कि रिविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपकी पढ़ाई का तरीका क्या है, आप किस तरीके से पढ़ते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि उसमें क्या सुधार की जा सकती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके अभी पढ़ने का प्रेजेंट पैटर्न क्या है। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे कंसंट्रेशन के लेवल को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन हम छोटे छोटे वीडियो में आपको ये चीज़ें शेयर करेंगे और बारी बारी से शेयर करेंगे। आज कुछ टिप्स बताते हैं जिस पर आप अमल करें, अगले वीडियो में कुछ और टिप्स बताऊँगा, ठीक है ना। तो आज सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी प्रेजेंट पैटर्न में बच्चों आप कैसे पढ़ते हो। आप सवेरे उठ के स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, अलग अलग तरह क्लास के बच्चे अलग अलग एजुकेशन के माहौल में जाते हैं और शाम को ऑलमोस्ट सब लोग वापस आते हैं। कुछ लोग कोचिंग जाते हैं, कुछ लोग ट्यूशन जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी कहीं है तो कुछ खुद से पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। जब आप इन सब से फ्री होकर के शाम को खुद बैठने पड़ते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, तब क्या होता है, तब की स्थिति से शुरुआत करते हैं। एक तो आप पूरे दिन की दिनचर्या आपकी इतनी थकावट वाली है, आजकल के बच्चों का ऐसा हो रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हर एक बच्चा एक बड़े आदमी से ज़्यादा मेहनत कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा जो है अगर 11th क्लास में पढ़ रहा है तो सवेरे 6 बजे जगता है, 6 बजे से वो तैयार होकर 7 बजे स्टैंड पे जाता है, वहाँ से स्कूल जाता है, स्कूल से 3 बजे आता है, अभी आ करके 3:30 बजे तक पहुँचता है, 3:45 तक कई बार पहुँचता है अपने घर पे, और क्योंकि अमूमन स्कूलों की छुट्टियाँ 2 बजे 2:30 बजे और 2:50 तक होती है, तो 4 बजे अभी पहुँचता भी नहीं है, ढंग से खाना नहीं खाता, ड्रेस भी नहीं बदलता, भाग के वो कोचिंग जाता है। हर एक बच्चे की आजकल एक कोचिंग या ट्यूशन अनिवार्य अंग बन गया है, जो मजबूरी भी है क्योंकि कंपटीटर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपको उसमें उनसे कम्पीट करने के लिए करना ही पड़ेगा। तो अब वहाँ से आता है रात के 8:30-9 बजे तक, सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक जो लगातार कंसिस्टेंट ड्यूटी में है, जिसमें कई सारी मानसिक परेशानियों से वो रूबरू हुआ है, जिसमें कई बार टीचर्स ने बाहर खड़ा करा दिया होमवर्क नहीं करने के, कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ, उन्होंने डिमोरलाइज किया पूरी क्लास के सामने, बाहर खड़ा करा दिया, पनिशमेंट दे दी, वहाँ से आया कोचिंग में होमवर्क अगर पूरा नहीं है तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सुना दिया, कुछ क्वेश्चन पूछा, किसी दोस्त के साथ कुछ कहा सुनी हो गई, घर पे आया रिजल्ट आ गया है तब तक किसी टेस्ट का, पेरेंट्स ने भी 2-4 बातें सुना दी,
बेचारा बच्चा सुबह से दिन भर थका हारा इन लोगों के मानसिक टॉर्चर को झेलता हुआ शाम को जब 9 बजे घर पहुंचता है, थोड़ी देर खाना खाने के बाद अगर पढ़ने बैठता है, तो जरा सोचिए उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, कितना बढ़िया कंसंट्रेशन उसका रह पाएगा। आप समझते हैं उसका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रह पाएगा? क्या समझते हैं कि वो बच्चा फोकस रह पाएगा? जिन भर में इतनी सारी बातें वाकया उसके साथ हुआ, उसमें से बहुत सारी चीज़ें उसे बुरी लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगी होगी, ठीक है, किसी दोस्त ने कुछ कोऑपरेशन किया हुआ, किसी ने 2 मीठे शब्द बोले होंगे, वो उसके मना स्थिति पर भी होगा, और जो लोगों ने टॉर्चर किया होगा, गालियां दी होगी या किसी तरह से पनिशमेंट दिया होगा, वो भी उसके मना स्थिति पे घूम रहा होगा। टीनेजर बच्चे हैं, उनकी किसी से दोस्ती हो गई, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से दिल लगा बैठे, कुछ भी हो सकता है, तो उनके साथ और भी अलग तरह की परेशानियां, भी इमोशनल कोशेंट भी उनका उस लेवल का नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। तो ऐसी चीज़ों पे जब वो शाम को पढ़ने बैठता है तो 9, 9:30 बजे या 10 बजे अगर किताब खोल के भी बैठता है, तो जैसे ही किताब खोलता है अपने स्टडी टेबल पर बैठ कर, उसके दिमाग में जैसे ही वो एक पेज अभी 2-4 लाइनें हार्डली 2-4 लाइनें वो पढ़ पाता है, तब तक उसका दिमाग ऊपर दिन भर की हुई घटनाओं में कहीं ना कहीं चला जाता है, सोचने लगता है, और वो सोचने लगता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैथमेटिक्स का टीचर बहुत बुरा है, अरविंद सर बहुत बुरे हैं, ये तो डांट देते हैं, खड़े करा देते हैं, रोज हमें से क्वेश्चन पूछते हैं, बाकियों से पूछते नहीं है। बहुत सारे बच्चों की ये भी कंप्लेन रहती है अक्सर क्लासेज में कि हमसे ही क्यों पूछते हो, बाकी भी तो बैठे हैं, ठीक है, जिससे पूछो उसको कंप्लेन ही कंप्लेन है। हम तो प्यार से पूछते हैं कि भाई आप किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो बच्चे को आना चाहिए, जिसे नहीं आता है उसी से पूछते हैं, और बच्चे को लगता है कि हमको टारगेट कर रहे हैं। कई बार ऐसे हो सकते हैं, आपका व्यू जो हो दूसरे का व्यू हो जरूर नहीं है, उसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। तो बच्चा जब बैठता है पढ़ने के लिए तो उसको क्या होता है कि जैसे ही दिन भर की घटनाओं पे उसका दिमाग वहां से वाइब्रेट होकर के विदाउट हिज परमिशन सबकॉन्शियस माइंड में वो कुछ और सोचने लग जाता है, किसी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लग जाएगा, उसने आज मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, फिर मैंने ये कहा, मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे उससे ऐसे प्रपोज करना चाहिए था, या टीचर्स के बारे में या किसी दोस्त से बारे में झगड़ा हो गई तो उसके बारे में सोचने लग जाएगा, उसने मुझे ऐसे कहा, उसको मैं ऐसे सबक सिखाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, प्लानिंग तरह तरह की उसके दिमाग में चलने लग जाएगी, उलझ जाता है, या टीचर से हुई किसी वाक्यांश पे उसका दिमाग अटक जाएगा, और विदाउट हिज परमिशन विदाउट हिज नॉलेज उसका दिमाग कहीं और काम करने लग जाता है, उसका दिमाग कहीं और भटक जाता है और कहीं और काम करने लग जाता है। वो बेसिक किताब पे देख रहा है, उसकी एक सेंस ऑफ कंसंट्रेशन, सेंस ऑफ ऑर्गन जो आंख है वो किताब के लाइनों के बीच में काम कर रही है, लेकिन दिमाग उसका पूरी तरह से माइग्रेट हो चुका है और किसी और सब्जेक्ट पे सोच रहा है। जरा सोचिए ऐसी स्थिति में वो कुछ भी पढ़ेगा तो उसे याद रहेगा क्या? नहीं याद रहेगा, वो जो भी सोचेगा, क्योंकि 2 सेंस ऑफ ऑर्गन काम कर रहे हैं उसके पढ़ाई के दौरान, एक किताब पर लाइंस के बीच में और दिमाग कहीं और, आंखें कहीं और, दिमाग कहीं और, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात है, और बिल्कुल ही ऐसी स्थिति होगी तो कुछ याद नहीं होगा। क्या ये समझते हैं हाई मोड ऑफ कंसंट्रेशन है? क्या ये हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है? क्या ये फोकस स्टडी है? नहीं है, तो याद कैसे रहेगा? जैसे ही उसे रियलाइज होता है, थोड़ी देर आधा घंटा एक घंटा ख्यालों में खोया हुआ रहता है, उसे याद आता है कि नहीं अरे हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, हम ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, फिर सिंसियर होता है, उसको सेंस ऑफ नॉलेज आती होती है कि भाई हम पढ़ाई एक्चुअली में नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरी तरह से फिर सजग होकर के बैठता है कि नहीं हम अच्छे से अब करेंगे। जैसे ही 2-4 लाइनें और पढ़ता है, उसका दिमाग फिर विदाउट हिज परमिशन, वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, उसके साथ इतनी घटनाएं घटी है दिन भर में कि उसका माइंड फिर वहां से माइग्रेट होकर के, और जहां से उसने सोचना बंद किया था, विश्वास कीजिए वहीं से फिर कनेक्ट हो जाता है, फिर ख्यालों में खो जाता है, आधा घंटा एक घंटा ऐसे ही निकल जाता है, 11:30 हो गया, अब उसे सोने की भी चिंता है क्योंकि सुबह जगने जाना है,
और ऐसी स्थिति में ना तो उसका कोई होमवर्क हो पाता है, ना कोई प्रॉपर स्टडी हो पाती है, तो अगले दिन फिर क्लास में और कोचिंग में टॉर्चर होना तो स्वाभाविक है, ये उसकी रोज की दिनचर्या बन जाती है। नतीजा उस आत्म विश्वास धीरे धीरे खोने लग जाता है बच्चा, और अपने आप पे उसका विश्वास नहीं रह जाता है। हम यहाँ इसलिए इस बात को कह रहे हैं ताकि इसमें सुधार किया जा सके। मेरा ध्यान पर्पस आपका किसी को डिमोरलाइज करना नहीं, उसको इम्प्रूव करना है, इसलिए हम उसके कुछ उपाय बता रहे हैं। मैं बच्चों को ये सलाह देता हूँ और देना चाहूँगा कि बच्चों जब भी आप पढ़ रहे हो आप गुनगुना के पढ़ो। गुनगुना के मतलब गाना मत गाओ, बोल के पढ़ो। बोल के पढ़ने से आपके चार सेंस ऑफ ऑर्गन एक साथ काम करेंगे। एक बोलने से मुंह का, देखने से आंख का, सुनने से कान का, और माइंड का कंसंट्रेशन तो होगा ही होगा। इससे क्या फायदा होगा कि पहली स्थिति में जो दो सेंस ऑफ ऑर्गन काम कर रहे थे अब चार सेंस ऑफ ऑर्गन काम कर रहे हैं। पहली दो सेंस ऑफ ऑर्गन काम कर रहे थे ऑन टू डिफरेंट सब्जेक्ट, ऑन टू डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि सिंक्रोनाइजेशन के अभाव में आउटपुट जीरो था। अब चार सेंस ऑफ ऑर्गन काम कर रहे हैं और चारों जब तक कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे तब तक पढ़ ही नहीं पाओगे आप। जैसे ही आपका दिमाग वाइब्रेट होगा आपके मुंह से आवाज निकलने बंद हो जाएगी। तो जो बिना जानकारी के विदाउट योर परमिशन योर माइंड इज माइग्रेटिंग ऑन सम डिफरेंट सब्जेक्ट, दैट विल एट लीस्ट स्टॉप। और आप जैसे ही आपका दिमाग वाइब्रेट होगा विदाउट वेस्टिंग ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे मैं तो कुछ और सोचने लगा हूं, क्योंकि आपके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाएगी, आपको रियलाइज हो जाएगा। तो ये जो विदाउट परमिशन आपका माइंड वाइब्रेट कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है और यहां से वहां चला जा रहा है सबकॉन्शियस माइंड के जरिए, वो आपको मदद मिलेगी। और जैसे ही माइंड माइग्रेट होगा भी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, आपका समय व्यर्थ ना होगा। दूसरी चीज, ऐसा करने से पहली स्थिति में जो दो सेंस ऑफ ऑर्गन दो डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे थे अभी चार सेंस ऑफ ऑर्गन एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। तीसरी बात, एक रिसर्च से ये पता चला है कि पढ़ी गई बात से सुनी गई बात कई गुना ज्यादा समय तक याद रहता है। अमूमन तौर पर हमने समझा है कि लगभग 30 गुना ज्यादा समय तक याद रहता है। सुनी गई बात पढ़ी गई बात से 30 गुना ज्यादा समय तक याद रहता है। अगर आप पढ़ेंगे और उसे सुनेंगे भी, चूंकि बोल के पढ़ेंगे तो सुनेंगे भी, तो याद होने की कैपेसिटी लगभग 31 गुना हो गई, एक तो पढ़ने का और 30 गुना सुनने का। तो लंबे समय तक उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जाने का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा और आपको रिटेन रखने में मदद जरूर मिलेगी और उसको लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। ठीक है, और फोकस रहने पर माइंड को सबसे पहले जरूरी है कि जब भी पढ़ने बैठे तो दिन भर में जितना कुछ हुआ है वो सारी भुला दे। माइंड जितना क्लियर रहेगा, जगह जितनी खाली रहेगी, घर का जगह खाली, आपके बैग का जगह खाली है तो उसमें सामान आप रख सकते हैं, पहले ही से उसमें कचड़े भरे हों बहुत सारा चीज तो उसमें आप रखना मुश्किल है। इसलिए पढ़ने से पहले 15 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें, 15 मिनट नहीं 10 मिनट का जरूर मेडिटेशन करें। कोशिश करें कि एकदम शांत होकर के अपने आप को आंखें बंद करके पूरे दिन की वाक्य को भुला दें। इसके लिए आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं या पूरी तरह से एकदम अंधेरे में लाइट वाइट बंद करके और पहले कंसंट्रेशन डेवलप करें, उसके बाद फोकस होकर के पढ़ाई करें। निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी और बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और तीसरी जो फायदा होगा वो ये कि बोलते बोलते आपको नींद कम आएगी। क्या आपने कभी बोलते बोलते किसी को सोते हुए देखा है क्या? लेकिन ऐसे क्या होता है अमूमन तौर पे कि दिन भर का थका हारा बच्चा जैसे ही किताब लेके बैठता है उसको नींद आती है और हेड डाउन करके वहीं पे सो जाता है, बिस्तर पे सो जाता है, बिस्तर पड़ रहा है बिस्तर पे ही सो जाता है, किताब कहीं इधर उधर फेंका हुआ रहता है।
तो नींद कम आएगी, नींद पे कंट्रोल होगा और आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी डेवलप होगा, आपकी फोकस स्टडी होगी, तो लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलेगी। कुछ और भी टिप्स मैं दूंगा, ठीक है, आगे के वीडियो पे। आप हमारे चैनल अरविंद सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नई वीडियो आते ही आपके पास सूचना मिल जाएगी, और आप आगे देखते रहिए, हम बहुत अच्छी अच्छी टिप्स वीडियो के जरिए हम देने वाले हैं, और उम्मीद है कि आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे, आपको अपनी याददाश्त, अपनी मेमोरी, ये सब इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी, और हम इसी के जरिए आपके मेंटल इंटेलिजेंस को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम कुछ और तरीके, मैथमेटिकल कंसेप्चुअल और इंटेलिजेंस कोशेंट पर कुछ बातें करेंगे। उसके लिए हमने कुछ लेक्चर्स बनाए हैं जो हम आगे आने वाले दिनों में देंगे। इससे आपका न तो बल्कि मानसिक विकास भी होगा, याददाश्त की क्षमता भी बढ़ेगी, आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आज यही खत्म करते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर करेंगे और लोगों से बात करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी